अस्सलाम वालेकुम। आप देखें कॉनेंस किचन, कॉनेंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं क्लब सैंडविचेस। बहुत डिफरेंट स्टाइल के बनाएंगे और बहुत मजे के बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, उसको बॉईल करके शर्ड कर लिया। एक पैकेट मैंने क्रीम ली है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं जिसको हम बलाई कहते हैं। मेयोनीज जाएगा 1 कप, एक मैंने बॉईल कर लिया था अंडा, आधा चम्मच नमक जाएगा और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च जाएगी। 6 से 8 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और बंद गोभी ली है मैंने और उसको इस तरीके से मैंने काट लिया, छोटा छोटा काट लिया। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग में रखेंगे। जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्रीम ले लिया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं नमक डाल दूंगी और काली मिर्च भी, मेयोनीज डाल दूंगी। मेयोनीज डाल के भी मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग जो है, ये बैटर जो है काफी थिक है। अगर हमें ज्यादा थिक महसूस हुआ तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, और अगर ना इतना ज्यादा महसूस हुआ तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब हम चिकन इसमें ऐड करेंगे तो फिर देखेंगे कि हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं। अब एग ले लूंगी मैं और इसको अच्छे से जो है छोटे वाले श्रेडर से श्रेड कर दूंगी, इस तरीके से। व्हाइट पार्ट भी और येलो पार्ट भी अच्छे से जो है श्रेड कर दूंगी। ये देखें, ये देख माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें बंद गोभी भी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसके साथ, इसकी जगह बंद गोभी के साथ आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूंगी, मुझे ये इसी तरह पसंद है। ये देखिए बैटर अभी बहुत थिक है, अभी हमने चिकन ऐड नहीं किया तो ये अभी से बहुत थिक है। अगर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, 1/2 कप मैंने इसमें दूध डाला है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और देखती हूँ कि और जरूरत है या नहीं है। नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है दूध की। इसमें मैंने सिर्फ 1/2 कप के दूध का इस्तेमाल किया है, 1/2 कप। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके चिकन ऐड करूंगी, मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत अच्छा हो गया। जी मैं ये जो बाकी चिकन है ये ऐड नहीं करूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हमारा हो गया अच्छे से। अब स्लाइसेस ले लेंगे और मैं इसकी साइड्स जो है वो रिमूव कर लूंगी। मैं सारी ब्रेड की स्लाइसेस जो है वो साइड्स रिमूव कर लूंगी। मेरी ब्रेड जो है वो नॉर्मली है, रेगुलर ब्रेड जो होती है वही है। आप जब बनाएं तो सैंडविच ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्रेड क्रम्स के लिए हमारे पास काम आएगा। अब मैं एक एक स्लाइसेस लूंगी और उसके ऊपर इस तरीके के साथ सारी फिलिंग अप्लाई करती जाऊंगी। बहुत ज्यादा फिलिंग आप नहीं डालिएगा,
क्योंकि हमने इसको लेयर्स में बनाना है, इसलिए सेकंड स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर दोबारा से अपनी फिलिंग जो हमने बनाई है वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर खीरा भी डाल सकते हैं। ये देखें साइड्स जो होंगी हम इसके अच्छे से रिमूव कर लेंगे इस तरीके से, ताकि बाहें पे आता हुआ बुरा नहीं लगे। सेंटर में से इसको मैं कट कर लूंगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें मशरूम साथ इसके लुक देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके के साथ मैं बाकी की भी बना लूंगी। इसी तरह हम नेक्स्ट भी बना लेते हैं। फिलिंग डालेंगे और फिलिंग आपने फैला के डालनी है अच्छे से, ताकि साइड्स पे बिल्कुल लाजमी आए, वरना जब भी कोई बाइट लेगा तो उसकी साइड्स उसको खाली फील होंगी। ये देखें इसी तरह मैं इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसको बच्चों को बहुत फेवरेट होते हैं सैंडविचेस। ये देखें इस तरीके के साथ इसको इस तरह रखते हैं। ये देखें इसको भी मैं सेंटर में से काट लूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया और आप इसके लुक देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत मजे के बने हैं। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको नाइन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।